हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मोहित गेमर यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंडियन बैश ड्राइंग 3D गेम के सभी चीट कोड इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें। और आप लोगों को जो चीट कोड वर्क नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें आप लोग कैसे ले सकते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें। चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं, जैसा कि अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में आप लोग अपने करेक्टर को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन से जो हमारा करेक्टर इसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप लोग कस्टमाइज करने में जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं टी शर्ट और इसके पैंट जो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यही चीज़ें आप लोग अपने करेक्टर के पास ले सकते हैं स्मार्टफोन से। तो अब आप लोग को बता देते हैं चीट कोड। जो हमारा फर्स्ट चीट कोड है, फर्स्ट चीट कोड हमारा फार्चूनर का है। फार्चूनर का चीट कोड है 1000 डायल करने पर आप लोगों को फार्चूनर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि देख ही सकते हैं आप लोग 1000 डायल करने पर फार्चूनर ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है और इसका कलर भी आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीट कोड हमारा 2000 चीट कोड रॉयल्स रॉय का है। रॉयल्स रॉय का चीट कोड 2000 डायल करने पर आप लोगों को रॉयल्स रॉय देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चीट कोड ट्रोन बाइक का है। ट्रोन बाइक का चीट कोड है 6000 डायल करने पर आप लोगों को ट्रोन बाइक देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चीट कोड जो है वो है जेड एक्स टेन आर का चीट कोड है 400 डायल करने पर आप लोगों को जेड एक्स टेन आर बाइक देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती है। और जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है साइकिल का चीट कोड है 4x1 डायल करने पर आप लोगों को साइकिल देखने को मिल जाती है। और जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है डिग 1290 का चीट कोड है 4x8 डायल करने पर आप लोगों को डिग 1290 बाइक देखने को मिल जाती है। और जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है डिग 200 का चीट कोड है 4x7 डायल करने पर आप लोगों को डिग 200 देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट चीट कोड जो हमारा है रेंज रोवर का चीट कोड है 4x6 डायल करने पर आप लोगों को रेंज रोवर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी शानदार है और बहुत ही बड़ी रेंज रोवर देखने को मिलती है। और हमारा नेक्स्ट चीट कोड है 4x5 डायल करने पर आप लोग गोस्ट राइडर बाइक देखने को मिल जाती है। और हमारा नेक्स्ट चीट कोड है बुगाटी चिरोन का चीट कोड है 4x4 डायल करने पर आप लोगों को बुगाटी देखने को मिल जाती है। और जो हमारी बुगाटी V2 है उसका चीट कोड है 800 डायल करने पर आप लोगों को बुगाटी V2 देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D गेम में दो बुगाटी देखने को मिलती हैं, जिनका चीट कोड हमने बता दिया है। जो हमारी न्यू बुगाटी उसका चीट कोड है 800। और हमारी जो स्पोर्ट कार है वो है कॉनिक्स कार, इसका चीट कोड है 900 डायल करने पर आप लोगों को ये कार देखने को मिल जाती है। और हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है ऑडी कार का चीट कोड है 500 डायल करने पर आप लोगों को ऑडी देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चीट कोड जो है वो चीट कोड है मोर एन पी सी। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आप लोगों को जैसे 1 2 3 4 5 डायल करेंगे आप लोगों को रोड के साइड में ट्रैफिक पे आप लोगों को जो आदमी आ गए हैं वो इसी चीट कोड से देखने को मिल जाते हैं। पहले आप लोगों को एक ही देखने को मिलता था, लेकिन अब आप लोगों को दो और देखने को मिल गए। और नेक्स्ट चीट कोड है जो हमारा ट्रैफिक का है 4532 डायल करने पर आप लोगों को ट्रैफिक पे देखने को मिल जाती है कार। और हमारा नेक्स्ट चीट कोड है लैम्बर्गिनी V2 का, जिसका चीट कोड है 700 डायल करने पर आप लोगों को लैम्बर्गिनी V2 देखने को मिल जाएगी। और इस गेम में आप लोगों को दो लैम्बर्गिनी देखने को मिलती हैं। सेकंड लैम्बर्गिनी का चीट कोड जो हमारी ओल्ड लैम्बर्गिनी है उसका चीट कोड है 4x3 डायल करने पर आप लोगों को जो हमारी ओल्ड लैम्बर्गिनी वो देखने को मिल जाती है। और न्यू लैम्बर्गिनी का चीट कोड है 700। अब हम आप लोगों को बता देते हैं यमहा आर वन फाइव का चीट कोड है 0015 डायल करने पर यमहा आर वन फाइव देखने को मिल जाती। और हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है गैस टैंक का, जिसका चीट कोड है 00 डायल करने पर आप लोगों को गैस टैंक देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारी एक्टिवा 4G है उसका चीट कोड, एक्टिवा 4G का चीट कोड है 000, यानी कि 4x0 डायल करने पर आप लोगों को एक्टिवा 4G देखने को मिल जाएगी। और जो आप लोगों को बता दें जो हमारे बैग का चीट कोड था वो इस गेम में अब वर्क नहीं कर रहा, आप लोगों को जो हमारा बैग है वो देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन से ही। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारी निंजा S2R है इसका चीट कोड, निंजा S2R का चीट कोड है 3000 डायल करने पर आप लोगों को निंजा S2R बाइक देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को बता देते हैं पल्सर RS 200 का चीट कोड है 5000 डायल करने पर आप लोगों को पल्सर RS 200 बाइक देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को बता देते हैं हायाबूसा का चीट कोड,
हायाभूसा का चीट कोड है 7000। 7000 डायल करने पर आप लोगों को हायाभूसा देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी शानदार है, ब्लू कलर में। आप लोग इन सभी का कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं, कुछ बाइक और कार का कलर छोड़ के आप लोग सभी का कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारा हेलीकॉप्टर है इसका चीट कोड, हेलीकॉप्टर का चीट कोड है 8000। इसका कलर आप लोग नहीं चेंज कर सकते। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारी स्प्लेंडर बाइक है इसका चीट कोड, स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड है 9000। 9000 डायल करने पर आप लोगों को स्प्लेंडर देखने को मिल जाती। अब आप लोगों को बता देते हैं स्प्लेंडर का भी कलर आप लोग नहीं चेंज कर सकते। अब आप लोगों को बता देते हैं थार का चीट कोड, थार का चीट कोड है 9090। 9090 डायल करने पर आप लोगों को थार देखने को मिल जाती है रेड कलर में, और इन सभी का कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, कुछ चीज़ों का नहीं चेंज कर सकते और सभी का चेंज कर सकते हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं रॉयल इनफील्ड का चीट कोड, तो रॉयल इनफील्ड का चीट कोड है 4x9। 4x9 डायल करने पर आप लोगों को रॉयल इनफील्ड देखने को मिल जाती। अब आप लोगों को नेक्स्ट चीट कोड जो है ATV बाइक का चीट कोड है 4x2। यह चीट कोड पहले जो हमारी वैगन आर कार थी उसका चीट कोड था। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारी न्यू KTM है इसका चीट कोड, तो न्यू KTM का चीट कोड है 1190। 1190 डायल करने पर आप लोगों को न्यू KTM बाइक देखने को मिल जाती। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारी डिग बाइक है इसका चीट कोड, डिग बाइक का चीट कोड है 4215। 4215 डायल करने पर डिग बाइक देखने को मिल जाती। नेक्स्ट चीट कोड जो हमारा है KTM का चीट कोड है, ओल्ड KTM का चीट कोड है 1210। 1210 डायल करने पर आप लोगों को ओल्ड KTM देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चीट कोड जो हमारा है वो है पल्सर का चीट कोड, पल्सर का चीट कोड है 1211। 1211 डायल करने पर आप लोगों को पल्सर देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी शानदार देखने में लग रही है। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारी एरोप्लेन है इसका चीट कोड, एरोप्लेन का चीट कोड है 555, यानी कि 3x5 डायल करने पर आप लोगों को एरोप्लेन देखने को मिल जाती है। इस अपडेट से पहले आप लोगों को एरोप्लेन सिर्फ एयरपोर्ट पे देखने को मिलती थी, लेकिन इस अपडेट में इसका चीट कोड आ गया है जिसका चीट कोड है 3x5। अब आप लोगों को नेक्स्ट चीट कोड बता देते हैं, नेक्स्ट चीट कोड है सुपर जंप का, सुपर जंप का चीट कोड है 1215। 1215 डायल करने पर आप लोगों को सुपर जंप का चीट कोड एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग जो करेक्टर है उसकी जंप लॉन्ग हो जाएगी। जैसा कि आप लोग अभी वीडियो में देख ही सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है इसकी जंप कितनी लॉन्ग हो गई है। अब आप लोगों को बता दें जाते हैं नेक्स्ट चीट कोड, नेक्स्ट चीट कोड है अल्ट्रा सुपर जंप का, अल्ट्रा सुपर जंप का चीट कोड है 1216। 1216 डायल करने पर आप लोगों को अल्ट्रा सुपर जंप एक्टिवेट हो जाएगी, जैसा कि आप लोग ये देख ही सकते हैं। और इस जंप को, इस चीट कोड को डायल करने के बाद आप लोगों को करेक्टर जो हमारी बिल्डिंग है उनसे भी ऊंची इसकी जंप हो जाएगी। जैसा कि अभी दिखा देते हैं आप लोगों को जो हमारा करेक्टर है इसकी जो जंप है वो कितनी ही ज़्यादा ऊंची हो जा रही है। अब आप लोगों को नेक्स्ट चीट कोड बता देते हैं, नेक्स्ट चीट कोड जो हमारा है वो है स्किन पे टैटू का चीट कोड था 002। लेकिन ये चीट कोड अब वर्क नहीं कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। ये चीट कोड मैंने डायल किया और ये चीट कोड वर्क नहीं कर रहा है। और आप लोगों को बता दें जो हमारा चीट कोड था बैक का चीट कोड था 200, वो चीट कोड भी वर्क नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग कैसे ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ लेने के लिए आप लोग गैलरी वाले ऑप्शन में जाएंगे और आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे करेक्टर के पास जो मोबाइल से उसी से आ गया है, जो हमारे स्किन पे टैटू था करेक्टर के वो वापस आ गया है और उसके पास उसी ऑप्शन से बैग भी देखने को मिल जाता है। अब आप लोगों को बता देते हैं नेक्स्ट चीट कोड, नेक्स्ट चीट कोड है 9129। 9129 डायल करने पर आप लोगों को ये इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड है, इसको डायल करने पर आप लोग बिल्डिंग से नीचे भी गिरेंगे तो आप लोगों की जो हेल्थ है वो नहीं कम होगी और आपके करेक्टर की हेल्थ एकदम सेम रहेगी। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी मैं आप लोगों को इस चीट कोड का यूज़ दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीट कोड ये वर्क करता है। अब आप लोगों को बता देते हैं डॉग का चीट कोड, डॉग का चीट कोड है 600। 600 डायल करने पर आप लोगों को डॉग देखने को मिल जाता था, जो इस अपडेट से पहले वाले अपडेट में ऐड किया गया था। अब आप लोगों को बता देते हैं जो हमारा स्काईफॉल का चीट कोड है, स्काईफॉल का चीट कोड है 1112। 1112 डायल करने पर, वो 1120 डायल करने पर आप लोगों को स्काईफॉल देखने को मिल जाती है, जैसा कि अभी मैंने डायल किया है और आप लोगों को स्काईफॉल देखने को मिल जाती है। इस कोड को डायल करते ही जो हमारा करेक्टर वो आप लोगों को हवा में देखने को मिल जाएगा। ये चीट कोड है 1120। 1120 डायल किया और हमारा करेक्टर देख लीजिए जो बहुत ही ऊंचे हवा में उड़ गया है। और आप लोगों को बता दें कि जो हमारा करेक्टर ये मतलब कि डेड नहीं होगी इस करेक्टर की, क्योंकि मैंने चीट कोड डायल कर रखा था जो इन्फिनिटी हेल्थ का,
जिसका चीट कोड था 9129 डायल करने की वजह से जो हमारे कैरेक्टर की हेल्थ है वो एकदम पूरी उसी तरह है, नहीं तो हमारा कैरेक्टर इतने में जो है वो डेड हो जाती, इसकी और गेम एंड हो जाता, फिर से गेम को स्टार्ट करना पड़ता। अब आप लोग को बता देते हैं जो नेक्स्ट चीट कोड है स्लो मोशन का चीट कोड है 112, यानी 3×1, उसके बाद 2 डायल करने पर आप लोगों की स्लो मोशन फर्स्ट एक्टिवेट हो जाती है, ये 3 स्टेप तक होती है, यानी कि यही चीट कोड आप लोग 3 बार डायल करेंगे तो हमारे करेक्टर जो है वो बहुत ही स्लो वर्क करने लगेगी। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि जो करेक्टर है लेवल 2 की जो स्लो मोशन का कोड है वो लेवल 2 तक मैंने डायल किया और इतना स्लो वर्क कर रहा है, और लेवल 3 तक डायल किया तो देख ही सकते हैं आप लोग कितना स्लो वर्क कर रहा है। और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए एक बार फिर से यही चीट कोड डायल करेंगे, ये चीट कोड डायल करने के बाद जो हमारा स्लो मोशन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसका चीट कोड था 1112 डायल करने पर ये दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा गेम फिर से उसी तरह फास्ट वर्क करना लगेगा। अब आप लोग को बता देते हैं मून ग्रेविटी का चीट कोड है 7112, ये चीट कोड डायल करने पर आप लोग अपनी बाइक को हवा में उड़ा सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को ये चीट कोड डायल करूंगा, उसके बाद अपनी जो हमारी ट्रोन बाइक खड़ी है इसको हवा में आप लोगों को ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो ये चीट कोड डायल किया मैंने और इसका चीट कोड है 7112, और उसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं जो हमारी बाइक है वो आप लोगों को हवा में देखने को मिलने लगी है, ये चीट कोड डायल करने पर आप लोग अपनी बाइक को हवा में आसानी से उड़ा सकते हैं। तो ये रहे इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D गेम के आल चीट कोड। आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक और चीट कोड देखने को मिलेगा, जिस जैसा कि मैंने बताया था एक्स्ट्रा चीट कोड आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा लास्ट चीट कोड है वो चीट कोड है 5×0 डायल करने पर, ये वेस्टेड का चीट कोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।